हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कितनी जमीन चाहिए इंसान को? 6 फुट 7 फुट, लेकिन इंसान को 1,000 2,000 10,000 जितनी मिल जाए उतनी ही कम है। और उस जमीन के लिए वो क्या क्या नहीं करता। मैं कब से ओम नमः शिवाय बोल रहा हूँ, कब से? फिर भी पैसा नहीं मिला। तुम्हें पैसा मिल जाए इसीलिए तो जाप करने को कहा है। तूने मंदिर के पैसे खाए हैं गोवर्धन, नर्क में जाएगा तू। अरे तुम लोग खड़े क्या हो, पकड़ो इसे। राक्षस, पैसों का भूखा। सुनीति बेटी, प्रणाम देवाधिदेव। कल्याणमस्तु। क्षमा चाहती हूं भोलेनाथ, मैं मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर सकी, मेरे पास चंदे का पैसा नहीं था। सुनीति, तुम मेरी भक्त हो ना? हाँ प्रभु। तो तुम सब कुछ भूल जाओ, चंदा भी और अपने पति की बातों को भी। मैं चाहता हूं तुम अपनी इच्छा से मेरा मंदिर बनाओ। तुम्हारे पास जो भी पैसा है वही मंदिर पर लगाओ, तुम्हारा कल्याण होगा पुत्री। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरा पैसा? मेरे पास कहां से आएगा पैसा?
नमस्कार गोवर्धन सिंह। नमस्कार, आपके घर से ही आ रहा हूँ। मेरे घर से? मेरे घर में आपको क्या काम था? भाभी जी ने बुलाया था मुझे। सुनीति ने? किस लिए? वो अपने सारे आभूषण बेचना चाहती है। क्या गोवर्धन जी, मेरी बात का बुरा मत मानिए, अगर पैसों की इतनी ही जरूरत है तो मैं कर्जा देने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, अगर पड़ी तो आपको जरूर याद करूंगा। गोवर्धन ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुनीति कभी गहने बेचने का सोचेगी। जो मन का साफ नहीं होता उसके मन में कुटिल विचार आते ही आते हैं, और गोवर्धन तो बेईमानी से दूसरों का पैसा हथियाने से भी हिचकिचाता नहीं था। वो भला अपने घर का जेवर बाहर जाने देता? वो सीधा सुनीति के पास गया और उसके जेवर सिर्फ 1,000 रुपए में खरीद लिए। इतने सारे गहनों का सिर्फ 1,000 रुपया? अरे ना 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 भाग्यवान, मैं तुम्हें मंदिर के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी तो दे रहा हूँ ना। वो हमारी जमीन के साथ वाली जमीन है ना, तुम उस पर मंदिर बनवा लो। पर वो जमीन तो दुक्की की जमीन है ना। अरे ना भाग्यवान, वो दुक्की की थी, अब वो मेरी जमीन है। लेकिन वो जमीन बंजर है। अरे तुम्हें खेती करनी है क्या? मंदिर ही बनवाना है ना, मंदिर के लिए ठीक है। गोवर्धन ने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया। जो भगवान को धोखा दे सकता है वो सबको धोखा दे सकता है, लेकिन सुनीति सच्चे दिल से भक्ति से शिव जी का मंदिर बनवाना चाहती थी। उसने वो जमीन मंदिर के पुजारी को दान कर दी और एक दिन भयंकर तूफान आया। प्रकृति क्रोधित हुई है, ऐसा तूफान आज तक नहीं देखा। लगता है कहीं बिजली गिरी है, चाहिए जाकर देखिए ना। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे डर लगता है। कितनी नाराज हुई है। भयानक बारिश और तूफान में दुबकी यहाँ क्या कर रही है? आओ देखे, मंदिर के पैसों से रोक सकता है तो इस तूफान को रोक ले। नहीं रोक पाएगा तू। अरे मेरी जमीन भी तुझे हजम नहीं होगी, भगवान तुझे दंड देगा, बहुत नाराज है तुझ पर। बिजली गिरने के बाद क्या हुआ बाबा? कुदरत का प्रकोप है ये बिजली, और जब कुदरत को गुस्सा आता है तो क्या होता है? उथल पुथल, सर्वनाश। हाँ बहन, सर्वनाश सर्वनाश। हम कहते हैं ना, उस पर मानो बिजली गिर गई, तो बिजली गिरने का मतलब है बहुत बड़े संकट में फंस जाना। यहाँ तो गोवर्धन, सुनीति और दुबकी पर बिजली ऐसे गिरी कि उनके प्राण ही चले गए। पैसा 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 करने वाला गोवर्धन सारा पैसा इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया। इसीलिए कहता हूं, इंसान अकेला इस दुनिया में आता है और अकेला ही यहां से चला जाता है। जब आता है तो अपने पुनर्जन्मों के कर्म उसके साथ होते हैं, उन कर्मों के भोग भोग कर वो इस संसार से चला जाता है, सारी जमीन जायदाद धन दौलत सब यहीं छोड़कर। तो फिर
ऐसी चीजों के पीछे वो लगता ही क्यों है? बाबा, शैतान भगवान के दर्शन करके बाहर आ रहे हैं। बाबा, द्वारकानाथ जैसे कृतज्ञ और पापी इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। सगन, द्वारकानाथ जी। बाबा, मैं तो कहता हूँ इनकी तलाशी लो। मंदिर के चढ़ावे के सारे पैसे इन्होंने चोरी कर लिए होंगे। अरे सगुन अन्ना, आप तो अंतर्यामी हैं। अरे राम राम राम, वैद्य धुंडू महाराज, लगता है आपके दोनों पैरों में बहुत दर्द है। आपको चार कंधों में उठाकर लेकर जाना पड़ेगा। क्यों जी, इसके लिए तो तीन ही काफी है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ साईं बाबा की कृपा से। आपने आस्तीन में सांप पाल रखा है, सांप कभी भी डस लेगा। सांप नहीं, अजगर, अजगर। वैद्य जी, अपने आप को संभालिए, ये अजगर आपको पूरा निगल लेगा। मैं जानता हूँ साईं, ये सगुन नहीं तुम बोल रहे हो। द्वारिकानाथ जी, मैं तो किसी की निंदा करने के हक में नहीं हूँ। देख लूंगा तुम्हें साईं, देख लूंगा। समय है तो अभी दर्शन कर लो द्वारिकानाथ जी। ए हैदराबादी चुप, एक पागल के पीछे सौ पागल। द्वारिकानाथ जी, 101 नंबर का पागल वो देखिए। छोड़िए ना द्वारिकानाथ जी, तुम्हारी बिरादरी का है, संभाल के रख लेना, दहेज में मिला होगा। प्रणाम। खुश रहो। बोलो पुंडलिक वरदा। ज्ञान देव महादेव शिव शंकर की जय। शिव शंकर की जय। साईनाथ, गोवर्धन, सुनीति और दुबकी पे तो बिजली गिरी और उनके प्राण चले गए, लेकिन मंदिर का क्या हुआ? मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो फिर वीरभद्रप्पा और चेतन वसप्पा तो इस कहानी में आए नहीं देवा। लेकिन बाबा, वो सांप और मेंढक। हाँ बाबा, कहानी तो उन तीनों के मरने पर ही खत्म हो गई। कहानी खत्म नहीं हुई सगुन, गोवर्धन, सुनीति और दुबकी का पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म? हाँ, सुनीति ने जमीन मंदिर के पुजारी को दान दी थी, तो अब सुनीति ने पुजारी के घर बेटी बनकर जन्म लिया, उसका पुनर्जन्म हुआ, उसका नाम कौरी था। गौरी बेटी, तुम पर शिव जी की कृपा सदा बनी रहे, तुम्हारा कल्याण हो। दुखी का भी पुनर्जन्म हुआ, लेकिन औरत बनकर नहीं, मर्द बनकर। मंदिर के सेवक के घर में पैदा हुई, उसका नाम था चेतन वासप्पा। ओम नमः शिवाय। चेतन वासप्पा शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वो शिव जी की भक्ति कर रहा था, एक नवयुवक सामने आया उसके। ओम नमः शिवाय। बाहर जाओ, जाओ बाहर। पर क्यों बाहर जाओ? मैं शिवजी के दर्शन करने आया हूँ। चप्पल पहनकर भगवान के घर में आते हैं क्या? जाओ चप्पल बाहर उतार कराओ। लगता है माँ बाप ने कुछ सिखाया ही नहीं। ए, क्या कहा? गौरव हूँ मैं मंदिर का, शिव जी का भक्त, चेतन वसप्पा नाम है मेरा, ये ए क्या करता है? तू जो भी है, मेरे माँ बाप का नाम कैसे लेता है? हुँ।
पहली मुलाकात में पूर्वजन की दुश्मनी ने अपनी शुरुआत कर दी। चेतन वसप्पा पिछले जन्म में तुबकी था ना बाबा? हाँ, और वीर भद्रप्पा गोवर्धन था। हमारे पूर्वजन के कर्मों का साया हमारे नए जन्म पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हम अपने कर्मों को लेकर ही नया जन्म लेते हैं। उन कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। हमने पिछले जन्म में जिसका बुरा किया है, वो नए जन्म में हमारा बुरा करने के लिए जन्म लेगा ही लेगा। और हमने किसी से कर्ज लिया है और कर्ज चुकाया नहीं, तो हमें वो कर्ज नए जन्म में चुकाना पड़ता है। बाबा, पिछले जन्म में गोवर्धन ने दुबकी पर बड़े अन्याय किए थे ना, इसीलिए अब नए जन्म में दुबकी चेतन वसपा बन गई है। तभी तो मिलते हैं। चेतन वसप्पा ने डांट दिया ना वीरभद्रप्पा को। गोवर्धन के लिए उसके दिल में जो नफरत थी वो बाहर आई ना। मौका मिलने की देर थी। दुबकी टूट पड़ी। वीरभद्रप्पा बने गोवर्धन पर। इसलिए हमेशा दूसरों की दुआएं लो, और दुआएं कभी मत लो। देना है तो लोगों को प्यार दो, नफरत कभी मत दो। प्रार्थना करो, दिल खोलकर प्रार्थना करो दूसरों की भलाई के लिए, और मांगना है तो मालिक से मांगो। हे मालिक, सबको सद्बुद्धि दो। इस दुनिया में कोई किसी से नफरत ना करे, हर कोई दूसरे की सहायता करे, मदद करे। अपना पराया भेदभाव हो ही ना। हर तरफ शांति ही शांति हो। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। पुजारी को गौरी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन वीरभद्रप्पा ने पुजारी के घर का दरवाजा खटखटाया। कौन चाहिए आपको? जी वो पुजारी जी हैं घर पर? पिताजी मंदिर के कामकाज के लिए गांव में गए हैं, आते ही होंगे। आप? मैं आटा। आटा? आपके मुंह पर, आपके बालों पर। गौरी, कौन है ये? आटा। वीरभद्रप्पा। आटा या वीरभद्रप्पा? क्या पागलों की तरह हंसे जा रहे हो वीरभद्रप्पा? और गौरी, तुम भी किसी पराये के साथ ऐसे खुलकर क्यों हंस रही हो? चेतन वसप्पा, तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम एकदम से दिल तोड़ देते हो। बाद में दिल टूटने से अच्छा है पहले ही टूट जाए। अरे, क्यों दिल टूटेगा उसका? ये बाप है ना उसका अभी जिंदा। अपनी गौरी का दिल नहीं टूटने दूंगा मैं। अरे, तुम कहां जा रहे हो? बताओ तो सही, क्यों आए थे, कहां से आए हो? पुजारी जी, मुझे पता चला है आप किराए पर कमरा देना चाहते हैं। मैं अकेला हूं, मुझे कमरा चाहिए। नहीं नहीं, ये लड़का ठीक नहीं लगता मुझे पुजारी जी। ये शक्ल से ही ठग लगता है, जरूर इसने कईयों को लूटा होगा।
किसी की जमीन हड़प की होगी, किसी के पैसे लेकर मुकर गया होगा। तुम कुछ भी बोलते हो चेतन बसप्पा, मुझे तो ये लड़का भला लगता है। वीरभद्रप्पा तुम कल आ जाओ और कमरा देख लो। अरे धन्यवाद, अच्छे संस्कार किए हैं तुम पर तुम्हारे माता पिता ने। पुजारी जी, पहले लोग पैर छूते हैं, उसके बाद पैर पकड़कर घसीट लेते हैं। कल मिलेंगे आटा कुमारी। मैं हमेशा कहता हूं कि पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण ही हम इस जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। चैतन्य बसप्पा, वीरभद्रप्पा और गौरी पूर्व जन्म के संबंधों के कारण ही एक दूसरे के करीब आए, संबंधों के साथ साथ विकार भी आए। चैतन्य बसप्पा और वीरभद्रप्पा एक दूसरे से नफरत कर रहे थे और गौरी वीरभद्रप्पा में पहली मुलाकात में नाजुक संबंध बन गया था। पुजारी को वीरभद्रप्पा पसंद था, लेकिन वो शादी की बात करने से डर रहा था। एक दिन मंदिर की दान पेटी खोलकर चैतन बसप्पा और पुजारी भक्तों द्वारा मंदिर को दान किए गए पैसे गिन रहे थे। पैसों पे नजर रखिए पुजारी जी, दान पेटी को एक बहुत बड़ा ताला लगाइए, पता नहीं कल कौन चोर डाका डाल दे। मंदिर के पैसों को भला कौन चुराएगा वीरभद्रप्पा? पैसा बहुत लोगों की नीयत बिगाड़ देता है पुजारी जी। पैसों को भगवान मानने वाले लोग भगवान से नहीं डरते, उनका बस चले तो वो उनके वस्त्र और आभूषण तक चुरा ले जाए। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में भी वीरभद्रप्पा और चैतन्य बसप्पा का पीछा नहीं छोड़ रही थी। चैतन्य बसप्पा को वीरभद्रप्पा पर विश्वास नहीं था और वीरभद्रप्पा चैतन्य बसप्पा को नफरत करता था। वीरभद्रप्पा स्वार्थी था, मंदिर के पैसे देखकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसके दिमाग ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि किराए पर रहने की जगह क्यों ना वो मकान का मालिक ही बन जाए। पैसे का लालच अच्छे अच्छों की सोच बिगाड़ देता है। पैसे आते ही कमजोर से कमजोर इंसान भी अपने आप को ताकतवर समझने लगता है। इसलिए तो जिसके पास पैसे हैं वो इंसान कितना भी आशक्त हो उसके सामने सशक्त इंसान भी झुकता है। पैसे के नशे में कई लोग अपनी विवेक बुद्धि खो बैठते हैं और ऐसा अविचार कर बैठते हैं जिससे उसके पापों की राशि बढ़ जाती है। किसी को संगीत मधुर लगता है, किसी को मालिक का भजन अच्छा लगता है, कोई बांसुरी के सुर का मतवाला होता है, किसी को ढोलक की थाप अच्छी लगती है। लेकिन जो पैसों की पूजा करते हैं उनके लिए पैसे की छन छन ही सबसे मधुर संगीत है। ऐसे लोगों का मित्र भाई संबंधी रिश्तेदार यहां तक कि भगवान भी पैसा ही होता है। वीरभद्रप्पा ऐसे लोगों में से एक था। एक दिन सभी पुजारी जी के घर बैठे थे। पुजारी जी,
मौसी ने मुझे गौरी के लिए एक लड़का बताया है। किस मौसी ने? पड़ोस की मौसी ने, वो आपसे मिलने भी आई थी। उसने बताया है तो लड़का तो अच्छा ही होगा। होना ही चाहिए पुजारी जी, क्योंकि आज तक मौसी ने जिन जिन के लिए लड़की या लड़के के रिश्ते लाए हैं, सब के सब सुखी गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं। मैं भी तो अपनी बेटी की सुखी गृहस्थी देखना चाहता हूँ। तो फिर मौसी से पूछ के आप लड़के के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। मुझे यकीन है वो चरित्र से, संस्कार से अच्छा होगा, स्वार्थी नहीं होगा, पैसों का लालची नहीं होगा, कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। क्यों वीरभद्रप्पा? अरे तुम कहाँ चल दिए वीरभद्रप्पा? पुजारी जी के साथ जाकर तुम्हें भी तो लड़का पसंद करना होगा। बाबा, गौरी का विवाह दूसरे लड़के से हो गया? हाँ जी, उत्सुकता है ना ये जानने के लिए कि वीरभद्रप्पा, चेतन बसप्पा और गौरी का क्या हुआ। बाबा, आपने कहानी ऐसे मोड़ पर लाकर रख दी है कि सबकी उत्सुकता जागृत हुई है आगे जानने की। शगुन, देवा को तनिक विश्राम करने दो, थक गए होंगे देवा। बोलो कुंडली त्वरगा हरि विठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम, भोलेनाथ शिव शंकर की जय। बाबा, आप कहानी अधूरी छोड़कर जा रही हैं। लक्ष्मी की माँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, जाकर आ रहा हूँ। कोई वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है। जानवरों को खाना भी तो खिलाना है ना। जी, आ गए आपके वैद्यराज जी, ढोंडू जी महाराज। ढोंडिया, मेरे नाम का जप क्यों हो रहा है ये तू बताएगा? अरे वैद्य जी, जाप इसलिए हो रहा है कि पैसे चाहिए होंगे उसे। चुप कर, मैं तुम्हारी और द्वारिका नाथ जी की तरह थोड़े ही हूँ, मुफ्का थोड़े ही खाता। तुम क्या काम करते हो है? डंडा पकड़ कर खम्भे की तरह खड़े रहते हो, और तुम्हारे ये गणपत हलवाई बैठे बैठे खाते रहते हैं। अरे शुक्र करो, पिछले जन्म में पुण्य किए हैं, जो इस जन्म में भाग्य रेखा तुम पर प्रसन्न हो गई। अरे ढोंडिया, चिंता मत कर, तेरी भी भाग्य रेखा बदलने वाली है। मैं जानता था वैद्य जी आप मुझ पर प्रसन्न होंगे, तो चलिए शिव जी के मंदिर चलते हैं। वहाँ साईं बाबा कहानी सुना रहे हैं, चलकर कहानी सुनते हैं। चलिए। वैद्य जी, आज तो आप जीवा जी के हाथ से लाठी लेके इसे कहानी सुना ही दीजिए। बहुत दिनों से ये उस ढोंगी साईं का गुणगान कर रहा है। बिल्कुल। अरे तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपके गुणगान गाऊं? गांव वालों को बता दूं, आपने सुकन्या का हाथ पकड़ा था और उमाकांत ने आपकी लाठियों से, लातों से धुलाई की थी। बता दूं सबको? अरे राम राम, जी। अरे राम 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 राम, अरे मत खोलो, मत खोलो, अपना मुंह मत खोलो ढोंडिया। वैद्य जी आप भी है ना छी, मैं आपको स्वर्गवासी बनाना चाहता हूँ। क्या? मेरा मतलब मैं आपको भगवान के समीप ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आप शैतान के समीप रहना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप स्वर्ग में विहार करें, लेकिन आप द्वारिका नाथ जी के साथ नर्क में आनंद उठाना चाहते हैं, नर्क में। जी, आपका ये चेला आपको स्वर्ग की बजाय नर्क भेज रहा है। सत्य कहा आपने ढोंडिया, अब तेरी नर्क में क्या दशा होती है इसका मजा मैं तुझे अभी चखा देता हूँ। खैर, लाइ इधर, ये डंडा ही इसके लिए। अरे पैर छाप। दोस्त,
अरे श्रवण, कैसे हो दोस्त? मैं तो ठीक हूँ। हाँ। तुम कहानी अच्छी सुनाते हो दोस्त। मैं नहीं, वो सबसे अच्छी कहानी रचता है। वो सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है। वो सर्वश्रेष्ठ कहानीकार है। वो सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ कथाकार भी है। मेरी दादी भी तुम्हारी तरह कहानियाँ सुनाती थी। उनकी कहानियाँ कभी खत्म ही नहीं होती थी। एक कहानी से दूसरी कहानी शुरू हो जाती थी। वो मालिक भी ऐसी ही कहानी रचता है। उसकी एक कहानी में कई कहानियाँ होती हैं। मालिक सबका परदादा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? ये गांव वाले तुम्हारी बातों पर यकीन कैसे कर लेते हैं? क्यों क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? लगता है इन्होंने तुम्हें पहले कभी आसमान से बातें करते नहीं देखा होगा। चुप चुप चुप, धीरे धीरे बोलो। हा, हा। ये गांव वाले भी तुम्हारी तरह पागल लगता है। ए, जोर से नहीं, चल चल चल, यहाँ से चलते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। तो पीर के साथ सब चले गए। अरे धेनु, मैं आ गया, तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। पता है आज तुम्हारी पसंद का है। ये देखो लड्डू। तुम इनकी भाषा जानते हो? हाँ। तो बताओ अभी ये तुमसे क्या बोल रही थी? ये बोल रही थी कि श्रवण हमें घूर घूर कर क्यों देख रहा है, इसे भूख लगी तो इसे भी लड्डू खिलाओ। लो लड्डू खाओ। हाँ? तुम भी खाओ, तुम ऐसे क्या देख रही हो? सबका मालिक एक। काफी देर हो गई, कब आएंगे साईं बाबा? कहानी इतनी दिलचस्प है कि मैं अपना घर का काम पूरा करके सीधी यहाँ आ गई। पुनर्जन्म की बातें बड़ी रोमांचक होती हैं नूरबाई। अक्कलकोट में भी उस समय ऐसी ही एक घटना घटी थी। अरे तो सुनाइए ना माँ जी, अक्कलकोट स्वामी की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है, सुनाइए। अक्कलकोट में उस समय दमयंती नाम की एक औरत अपने पति नारायण को लेकर आई थी। नारायण का व्यवहार विचित्र था। दमयंती भिक्षा मांगकर उसे खाना खिलाती थी। ए भाई साहब, इधर आइए। ए पागल है क्या? अरे पागल किसको बोला तूने? पागल तेरा बाप, पूरा खानदान। चुप कीजिए, क्या आप मुझे शांति से जीने भी नहीं देंगे? माफ कीजिए भाई साहब, मैं जानती हूँ कि गलती इनकी है, पर ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। गुस्से से देखता है तू मेरी तरफ? आंखें फोड़ दूंगा तेरी। क्षमा कीजिए भाई साहब, इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं इन्हें ठीक कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इस विश्वास के साथ कि अक्कलकोट स्वामी इनकी बीमारी ठीक कर देंगे। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी।
समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। नारायण स्वामी समर्थ के दिव्य स्वरूप से डरता था। जब दमयंती उसे लेकर आरती में आती थी तो वो आरती भी नहीं सुनना चाहता था। दमयंती रोज उसे आरती में लेकर आती थी पर वो स्वामी समर्थ को देखकर भाग जाता था। एक दिन मेरे पति को ठीक कर दीजिए स्वामी जी महाराज, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। जाओ बेटी उसे लेकर आओ। छोड़। नहीं छोड़ूंगी स्वामी जी महाराज आपको बुला रहे हैं। नहीं आना है, नहीं आना है मुझे। आपको चलना ही पड़ेगा। आइए मैं स्वामी जी का तेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है स्वामी महाराज जला देंगे मुझे। मुझे वहां नहीं जाना है, छोड़ मुझे। इधर आओ। कहां भाग रहे थे? क्यों क्यों बुला रहे हैं आप मुझे? क्यों मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है? मेरा न्याय नहीं हो रहा है। मत मारिए, मत मारिए मुझे। रो क्यों रहे हो? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? छोड़ दो इसे। नहीं। छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरे 2,000 रुपए वापस नहीं किए। मैंने इसे आत्महत्या करके पकड़ा है। इसने अगर मुझे 2,000 रुपए वापस कर दिए होते तो मेरी ये हालत नहीं होती और मैं आत्महत्या भी नहीं करता। आप मेरे साथ न्याय करिए। ये कैसे देगा तुम्हें पैसे? ये तो दरिद्री है। मैंने इसे कंगाल किया है, संतान ही किया है मैंने। अब तक जो उसने तुम्हें बर्दाश्त किया है उसी में तुम्हारा सब कुछ आ गया। समझ लो उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए। छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा तू? चिन्मय्या भेजो इसे। स्वामी जी मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, मैं फिर कभी नारायण को परेशान नहीं करूंगा। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे। स्वामी जी अब इसकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अब एकदम ठीक हो गया। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ।
धन्यवाद स्वामी जी करता। जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। लक्ष्मी की माँ, ये कहानी वैसी ही है जैसी दुबकी और गोवर्धन की। माजी सबको नारायण की कहानी सुना रही हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। आप सब जानते हैं बाबा। जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नारायण ने अपने पूर्व जन्म में किसी के 2000 रुपए नहीं लौटाए थे। उसके पूर्व जन्म के कर्म इस जन्म में भी उसका साथ दे रहे थे। उन कर्मों के कारण नारायण परेशान होता था। पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, उसे कर्म फल भुगतना पड़ रहा था। एक ही नारायण में दो नारायण जी रहे थे, एक पूर्व जन्म का, एक इस जन्म का। पूर्व जन्म का नारायण इस जन्म के नारायण को तकलीफ दे रहा था। इससे परेशान होकर नारायण दूसरों को तकलीफ दे रहा था। जब वो ईश्वरीय शक्ति की शरण में गया, तब उसे पापों से मुक्ति मिली। ऐसे लोगों को तुरंत दूसरे लोग कहने लगते हैं कि इसे पिशाचों ने घेरा है। ये हमारे खुद के बुरे कर्म होते हैं जो हमें पिशाचों की तरह डराते रहते हैं। इसलिए फिर से कहता हूं कि अच्छे कर्म करो, करते रहो, लोगों की दुआएं लो, लेते रहो, कभी किसी की बददुआएं मत लो। बाबा, मैं द्वारकानाथ को बोलकर आऊं। बोलो हरि विठ्ठल, हरि विठ्ठल, ज्ञान देव तुकाराम, भोले नाथ शिव शंकर की जय। बाबा, वीरभद्रप्पा, गौरी और चेतन वसप्पा का फिर क्या हुआ? इस जन्म में भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। गौरी की शादी किसी दूसरे से हो गई। इस विचार से दुखी होकर वीरभद्रप्पा ने गांव छोड़कर जाने का निर्णय ले लिया और वो पुजारी के पास उनसे विदा लेने पहुंचा। अरे वीरभद्रप्पा, तुम इस समय आओ, आओ बैठ। ये क्या है बेटे? मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, इसलिए आपका आज तक का मकान का किराया और घर की चाबी है। लेकिन अचानक ये कैसे सोच लिया तुमने? बताओगे नहीं? गौरी की किसी दूसरे के साथ शादी मैं देख नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं गौरी से प्यार करता हूं। वीरभद्रप्पा गौरी से प्यार करता है, ये जानकर पुजारी दुविधा में पड़ गया। ये बात उसके ध्यान में नहीं आई कि वीरभद्रप्पा ने बड़ा सोच समझकर ये चाल चली है। पुजारी और गौरी दोनों के सामने ये बात करके वीरभद्रप्पा ने चैतन वसप्पा को मात दे दी थी। पुजारी ने तुरंत चाबियां वीरभद्रप्पा को देते हुए कहा, देखो वीरभद्रप्पा, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। वैसे रात को तुम कहां जाओगे? ये लो घर की चाबी और घर जाकर सो जाओ, सुबह बात करेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ये लो।
वीरभद्रप्पा ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हो रहा था। वीरभद्रप्पा चाबियां लेकर चला गया। गौरी बेटी। जी पिताजी। तुमने सुना ना जो वीरभद्रप्पा ने कहा? क्या तुम्हें वीरभद्रप्पा पसंद है? बाबा, तो क्या गौरी और वीरभद्रप्पा की शादी हो गई? चेतन वसप्पा ने शादी पर एतराज नहीं किया देवा? किया ना एतराज, कैसे नहीं करता? जैसे गौरी और वीरभद्रप्पा का जन्म जन्म का नाता था, वैसे ही उसकी भी तो वीरभद्रप्पा से जन्म जन्म की दुश्मनी थी। श्यामा, जब हम जन्म लेते हैं तब अपने पूर्व जन्म के कर्म बंधनों के साथ जन्म लेते हैं। जो अपने पहले जन्म के कर्मों से हमने अपना प्रारब्ध बनाया होता है, उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है। हम अपने साथ पूर्व जन्म की अमीरी गरीबी नहीं लाते, लाते हैं उस जन्म में मिली दुआएं या बद्दुआएं, लोगों के साथ किया हुआ प्यार या नफरत, उस जन्म की दोस्ती या दुश्मनी, आसक्ति या विरक्ति। हमारा हर जन्म एक किताब की तरह होता है, जैसे पढ़ते हुए एक एक पन्ना पलटते जाते हैं और अगले पन्ने पर जाते रहते हैं, वैसे ही इंसान एक एक जन्म लेते हुए अगले जन्म पर जाता रहता है। हर जन्म में वो कुछ अच्छा कुछ बुरा करता है और उसी हिसाब से उसका कर्म बंधन बनता जाता है और उसी हिसाब से उसे कर्म फल मिलता जाता है। हर जन्म में वो मित्र या शत्रु बनाता रहता है। किताब में एक अध्याय खत्म होते ही हम दूसरे अध्याय पर चले जाते हैं, वैसे ही मित्रता और शत्रुता का है। उस जन्म में इंसान ने शत्रुता का अध्याय खत्म नहीं किया, शत्रु को मित्र नहीं बनाया, तो दूसरे अध्याय में यानी दूसरे जन्म में भी शत्रुता निभानी पड़ती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि इंसान जब पैदा होता है तब वो अकेला होता है और जब वो दुनिया छोड़कर जाता है तब वो अकेला नहीं होता, उसके साथ साथ सिर्फ उसके विकार होते हैं जो अगले जन्म में भी उसका साथ देते हैं। इंसान जब जन्म लेता है वो निष्पाप होता है, परंतु वही निष्पाप जैसे बड़ा होता है तब कोई पापी हो जाता है और कोई पुण्यवान, कोई लोगों की भलाई करना चाहता है कोई बुराई। ऐसा क्यों? इसलिए कि इसकी जड़ें पिछले जन्मों में होती हैं। उस जन्म के कर्म इस जन्म में भी इंसान पर असर करते रहते हैं। फिर चैतन्य वसप्पा अपने नए जन्म में वीरभद्रप्पा को पहली बार देखते ही उससे नफरत करने लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में वीरभद्रप्पा ने उसे तकलीफ दी थी, उसके साथ धोखा किया था, विश्वासघात किया था, उसके हक अधिकार छीन लिए थे। इसलिए जब पुजारी ने चैतन वसप्पा को मंदिर में कहा वो अपनी बेटी गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से करना चाहता है, तो चैतन वसप्पा बेचैन हो गया। लगता है आपने ठीक तरह से सोचा नहीं पुजारी जी, वीरभद्रप्पा जैसे लफंगे के साथ आप गौरी का विवाह कैसे कर सकते हैं? वो आवारा है, बदमाश है, पाप है उसके मन में। उसकी नजर गौरी पर नहीं, मंदिर के चढ़ावे पर है। भक्त जो पैसा भगवान को चढ़ाने आते हैं वो उनसे शादी करना चाहता है, गौरी से नहीं। चेतन बसप्पा, तुम जैसा समझते हो वीरभद्रप्पा वैसा नहीं है, अच्छा लड़का है। अगर आप वीरभद्रप्पा जैसे लड़के को अच्छा कहते हैं तो अच्छाई की तो व्याख्या ही बदल दी आपने। मेरी मानिए, गौरी का विवाह वीरभद्रप्पा से मत कीजिए। अब तो सब शिवजी पर निर्भर है, क्योंकि गौरी भी वीरभद्रप्पा से प्यार करती है। चेतन वसप्पा,
हर हर महादेव। तुम यहाँ मंदिर में? भक्तों के अर्पण किए हुए पैसे गिनने आया हूँ। मैं लफंगा हूँ, आवारा हूँ, बदमाश हूँ। मैं गौरी से नहीं, मंदिर के चढ़ावे से शादी करना चाहता हूँ। तुम लो चेतन बसप्पा, अगर तुम्हारी वजह से मैं अपने इरादों में कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। सदा सुखी रहो, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। विवाह हो गया, लेकिन चैतन्य बसप्पा और वीरभद्रप्पा के बीच की दुश्मनी खत्म होने की जगह और बढ़ गई। दे रहा है, मैं मंदिर की सफाई कर रहा हूं। हाँ, दिखाई दे रहा है, तुम मंदिर साफ कर रहे हो। पैसे कहाँ है? कौन से पैसे? जो भक्त जन भगवान को अर्पण करते हैं, जो चढ़ावे में चढ़ाते हैं। ये थाली जो खाली पड़ी है। थाली सुबह से ही खाली है। अगर भरी हुई देखना चाहते हो तो अपने जेब से पैसे निकालो और थाली भर दो। चेतन बसप्पा, मेरे नाम का जाप करना है तो मंदिर के बाहर जाकर करो। मंदिर में सिर्फ शिवजी के नाम का जाप होता है। मैं जानता हूँ तुम भगवान के पैसे चुराते हो। सबको अपने जैसा मत समझो वीरभद्रप्पा, चोर तुम हो, मैं नहीं। और वैसे भी मंदिर के पैसे से तुम्हें क्या लेना देना? चेतन बसप्पा, मैं मंदिर के पुजारी जी का दामाद हूँ। दामाद पुजारी जी के घर में, मंदिर में नहीं। मंदिर में आए हो तो शिवजी के दर्शन करो और जाओ। अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों से ना वीरभद्रप्पा मुक्त था ना चेतन बसप्पा। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका नहीं खोते थे। लेकिन संस्कार क्या है? संस्कार इंसान की प्रगति है, उन्नति है, इंसान के व्यवहार का आईना है। मतलब इंसान को जो सीख दी जाती है वही संस्कार है। जैसे? जैसे बड़ों का, गुरु का, माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारे संस्कार हैं। इंसान के व्यवहार से पता चल जाता है उसके संस्कारों का, उसकी संस्कृति का। जैसे भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना, बेसहारों का सहारा बनना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अंधे की लाठी बन जाना, जानवरों को भी प्यार देना, यह हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। बच्चा जब पैदा होता है तब माँ बाप उस पर संस्कार करते हैं, फिर उसे शिक्षा देकर गुरुजी उस पर संस्कार करते हैं। वही बच्चा जब आदमी बनकर जिंदगी जीने लगता है तो उसके अपने अनुभव उस पर संस्कार करते हैं। संस्कार इंसान की, इंसानियत की बुनियाद है। संस्कार ही इंसान को परिवार के, समाज के, देश के योग्य बनाते हैं। जिस पर संस्कार नहीं होते वो इंसान होते हुए भी इंसान न होने के बराबर है। संस्कार ही दानवों को देवता बनाते हैं और संस्कार ही पत्थर की मूर्ति को भगवान बनाते हैं। इंसान के जीवन में यही संस्कार का सही महत्व है। वीरभद्रप्पा और चैतन्य बसप्पा पूर्व जन के संस्कारों में ही उलझे हुए थे। अरे रुक, बचाओ बाबा।
ऐसा लग रहा है ढोंगू बेची को नचा रहा है। नालायक, तू मुझे राक्षस कह रहा है, हैं? भाग इधर से, भाग ये इसमें। जीवा जी, इस ढोंडू को बाहर खसीट कर लाओ। रुको जीवा जी, ऐसा क्या हुआ है वैद्य जी, जो आप लाठी लेके ढोंडू के पीछे पड़े? तू बीच में मत बोल सकून। अरे इस नालायक में नहीं है कोई गुण, भाग इधर से। जब मामला घर के अंदर रहता ना वैद्य जी, तब वो आपका अपना होता है, परंतु अब ये मामला बाहर शिरडी में आ चुका है, अब ये आपका अपना नहीं रहा, समझे? अरे सकू भाई, तुमसे किसने कहा हमारे बीच में आने को? अपना मुंह बंद रख और निकल जा यहाँ से, समझी? वैद्य जी, सकू भाई कहीं नहीं जाएगी, हिम्मत है तुम्हारा मुझे, शाबा गुरु जी भी है। अरे राम राम, जो अपने विद्यार्थी को आज तक संभाल नहीं सका वो संभालेगा तुझे, शेर बनता है उसको देख। अरे लेकिन ऐसा क्या किया है ढोंडू ने वैद्य जी? कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से चार लोगों का खाना बनाया था, ये चाड़िया मोटू टोटू सारी खाना से सारा खाना खा लिया, कुछ नहीं बचाया। क्या, चार आदमी का खाना अकेले ने खा लिया? मैंने सिर्फ इतना कहा, द्वारिका नाथ जी आप पे संस्कार नहीं है, तो गुस्सा होकर लाठी लेकर मारने लगा बाबा। ये गलत है वैद्य जी। ए तू चुप रह साईं। ए द्वारिका नाथ, अब बाबा के खिलाफ अगर कुछ बोला ना तो मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा दूंगा, समझे? परंतु ढोंडू की समस्या का समाधान तो करना होगा। समाधान यही है कि द्वारिका नाथ जी अब अपने हाथ से खाना बनाए और सबको खिलाए। नहीं नहीं, इससे अच्छा तो ये होगा कि जिसने चार लोग का खाना खाया उसे चार दिन खाना ही नहीं दिया जाए। यही ठीक रहेगा। द्वारिकानाथ, तुम्हें संस्कारों की दीक्षा लेने के लिए साईं बाबा की शरण में जाना चाहिए, समझे? श्री द्वारिकानाथ जी, हमारे घर पर कोई अतिथि आता है तो हम स्वयं भूखे प्यासे रहकर अतिथि को भर पेट खिलाते हैं, ये हमारी संस्कृति है, अतिथि धर्म है। जब हम खाना बनाते हैं तो एक हिस्सा चिड़ियों के लिए, एक हिस्सा जानवरों के लिए, एक हिस्सा अचानक आए हुए अतिथि या फिर भूखे प्यासे के लिए रखते हैं। हम घर आए हुए अतिथि को ना भूखा प्यासा जाने देते हैं ना ही खाली हाथ, इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भवा। और ये द्वारकानाथ जी, अपने घर के लोगों को भूखा प्यासा खाली पेट रखकर खुद अपना पेट भर लिया, सचमुच राक्षस हैं आप। ए हैदराबादी, लो खाओ तुम। बैठी आप भी भूखे, आधा आप भी खा लीजिए, खा लीजिए ना वैजी। चलिए वैजी, अरे चलिए बाबा। वैजी, वैजी रुके। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं श्यामा, पूर्वजन के संबंध। वैद्य जी और ढोंडू एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे पर नाराज होते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, परंतु एक दूसरे के लिए जीते हैं, सब कुछ भूलकर एक दूसरे के सहारे जीते हैं। इसे ही ऋणानुबंध कहते हैं। सबका मालिक एक। शिव बाबा के दर्शन हुए? हाँ, वो गोपी नहीं दिखाई दे रहा? गोपी तो पाठशाला गया है। ओ, सुकन्या और उमाकांत?
जगदम्बा जगदम्बा। शिव बाबा के दर्शन के बाद भी आपके चेहरे पर उदासी, क्या हुआ? सुकन्या की याद आ गई। मुझे लगा मां सप्तशृंगी के संकेत के अनुसार शिव बाबा के दर्शन से मेरी खोई हुई मन शांति को लाभ होगा, लेकिन नहीं, मैं तो और अधिक बेचैन हो गया हूं। शिव बाबा के मंदिर में सुकन्या जैसी कोई लड़की दिखाई दी और मेरा मन अपने आप को और अधिक अपराधी महसूस करने लगा। अगर हमने सुकन्या की शादी उमाकांत से करवा दी होती तो आज सुकन्या भी उस लड़की की तरह अपने पति के साथ शिव बाबा के दर्शन करने आती, हमसे आशीर्वाद लेती और फिर उसे सुखी देखकर हम भी सुखी होते। लेकिन हमने अपनी बेटी को दुख दिए, सिर्फ दुख, सिर्फ दुख। इंसान जब रोता है तो क्या तुम्हें खुशी होती है? तुम क्या भूल जाते हो मालिक के इंसान को तुम्ही ने तो बनाया है, वो तुम्हारी ही तो संतान है, फिर क्यों उसे रुलाते हो, क्यों दुख देते हो उसे? क्या तुम्हें ये डर है कि इंसान दुखी नहीं होगा तो उसे सुख की अहमियत का पता कैसे चलेगा? क्या तुम ये बताना चाहते हो कि आंखों से आंसू नहीं बहेगा तो इंसान मुस्कुराहट की कीमत नहीं जान पाएगा? रहम करो मालिक, रहम करो, दया करो। इंसान गलती करता है तो उसे माफ कर दो मालिक, माफ कर दो। अपने किए पर पछताने वालों की सहायता करो। माता पिता की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, वो अपने बच्चों के आंसू पोछते हैं, उनके आंसू कौन पोछेगा मालिक? कब आएगा वो दिन, कब मालिक, कब? जब तुम्हारी दुनिया का हर कोई खुश होगा, सुखी होगा, मुस्कुराएगा, दुख दर्द का कहीं नामो निशान भी नहीं होगा, कब मालिक, कब? और कितनी तपस्या करनी होगी इंसान को, कितनी परीक्षा देनी होगी मालिक, कितनी परीक्षा देनी होगी? सबका मालिक एक। क्या हुआ, खाना खाते खाते रुक क्यों गए आप? नमक कम ज्यादा तो नहीं हुआ ना? माँ, पिताजी को दीदी की याद आ रही है। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना, खाना खाते हुए रोना अन्न का अपमान करना होता है। दीदी जहां भी होगी ठीक होगी पिताजी। उमाकांत भैया दीदी को बहुत प्यार करते हैं, दुख की हवा भी नहीं लगने देंगे दीदी को। बस एक बार मैं सुकन्या को देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार, वरना मैं इसी तरह अशांत होकर उसके बारे में सोचता रहूंगा। लेकिन हमें उमाकांत का पता भी तो मालूम होना चाहिए। पता मालूम हो सकता है माँ? कैसे? उमाकांत भैया जहाँ नौकरी करते हैं वहां से। अरे गोपी, ये बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई?
अब मैं कल ही उमाकांत की कंपनी में जाकर पता लगाता हूँ। साक्षात्कार इंसान में परिवर्तन लाता है। साक्षात ईश्वर का हो, मालिक का हो, सच्चाई का हो या किसी भी चीज का हो, इंसान की दुविधा को खत्म कर देता है। साक्षात्कार दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है। गलत रास्ते पर चलने वाले इंसान को जब साक्षात्कार होता है कि वो गलत रास्ते पर है, तो अपनी गलती सुधारने के लिए रास्ता बदल देता है। बुरी संगत में फंसे हुए इंसान को जब साक्षात्कार होता है, तो वो तत्काल बुरी संगत त्याग कर अच्छी संगत में आ जाता है। सदहृदयता का साक्षात्कार होता है तो पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है। और जब ईश्वरी साक्षात्कार होता है, तब इंसान को अपने उद्धार का मार्ग दिखाई देता है। यही साक्षात्कार का महत्व है, यही साक्षात्कार की अहमियत है। साक्षात्कार एक एहसास है, ऐसा एहसास जो इंसान के भीतर के विश्वास को नया बल देता है, उसके अंदर के विवेक को जगाता है। इसलिए जब किसी माँ बाप को अपनी बेटी पर किए हुए अन्याय का एहसास होता है, तब वो अपनी मना शांति खो बैठते हैं। अपनी बेटी को मिलने के लिए, उसे सुखी देखने के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन उनके पास बेटी का अता पता ही नहीं होता। इसलिए जब उन्हें अपनी बेटी का अता पता मिलता है, तब उन्हें साक्षात मालिक के दर्शन होने का साक्षात्कार होता है। वाह, वैद्य जी ने बड़ी खुशबूदार खिचड़ी बनाई है। लेकिन बाबा, वीरभद्रपा और चेतन वसपा की कहानी का क्या हुआ? वो बाद में, पहले पेट पूजा। चलो चलो चलो, अरे भूख नहीं लगी तुम्हें? यहीं बैठे रहोगे तो वैद्य की बनाई खिचड़ी नहीं खा सकोगे। अरे चलो 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 चलो, हम इतने सारे लोग जा रहे हैं वैद्य जी के घर, हमें खिचड़ी मिलेगी? बिना कोई सवाल किए साईं बाबा की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि साईं बाबा हमेशा सबका भलाई चाहते हैं। चलो आओ, चलो चलो चलो। सबके सब पागल है। अरे वैद्य जी, ये क्या कर रहे हैं? क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं खाना बनाऊंगा, आप बैठिए। अरे नालायक, नालायक कहीं के, हाथ जला दिया, सत्यानाश हो जाए। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मालूम है? क्योंकि आज मैंने स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, और अगर इसमें मैंने तुम्हारी मदद ली तो तुम पूरे गांव में जाकर ढिंडोरा पीटोगे कि ये खिचड़ी मैंने बनाई है, मैंने। और उस ढोंगी साईं को भी जाकर बोलोगे, सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे राम, चलो, राम, चलो, राम, चलो, ये शोर कैसा है? और शोर नहीं, शोर, चल, सत्यानाश हो जाए तेरा। हाँ हाँ, चलो चलो, खिचड़ी बाबा चलकर देखते हैं। अरे द्वारिका नाथ जी, ये शोर कैसा है? अरे उधर नहीं, इधर देखिए। वैद्य जी ने कैसा भोजन बनाया है। वैद्य जी, मुझे तो लग रहा है ये साईं जरूर कोई चाल चल रहा है। चाल? अरे देख नहीं रहे, पूरी पलटन को लेकर आप ही के घर की तरफ आ रहा है। द्वारिका नाथ जी, ये लोग कहीं आपकी पिटाई करने तो नहीं आ रहे? अरे चुप चुप बोल कदे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार वैद्य जी। क्या हुआ साईं, यहाँ क्यों आए हो? नाना वाली अगर हमारे साथ होता तो बोलता था कि तुम्हें शिरडी से बाहर फेंकने आए हैं। ए हैदराबादी, बहुत पर निकल गए तेरे हैं, लगता है कतरने पड़ेंगे। अरे बातें ही करते रहोगे, ये हमें कुछ खिलाओगे भी? हा? खिलाओगे भी? क्या मतलब वैद्य जी? आपने जो खिचड़ी बनाई है ना, उसकी खुशबू हमें खींच लाई है यहाँ। बाबा ने कहा कि वैद्य जी हम सबको खिचड़ी खिलाएंगे। अरे राम 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 राम,
ये तो धर्म संकट में डाल दिया हमें। बाबा तुम जाकर भिक्षा मांगो भिक्षा। हाँ। भिक्षा ही तो मांग रहा हूँ द्वारिकानाथ जी। वैद्य जी क्या घर आए अतिथि को खाली पेट भेज देंगे आप? हाँ बाबा, नहीं तो धोंडू बोलेगा आप दोनों पर संस्कार नहीं हुए। वैद्य जी भूख लगी बड़ी जोर से। अरे धीरज रखो, वैद्य जी आप सबको खिचड़ी खिलाने वाले हैं। इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है ना वैद्य जी? अरे राम 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 राम, ये ढोंगी साई तो मेरे गले ही पड़ गया द्वारिकानाथ जी, देख रहे हैं ना? वैद्य जी भिखारी गले ही पड़ा करते हैं। हाँ, जैसे आप गले पड़ गए वैद्य जी के। मैं तो यही कह रहा था बाबा, ज्यादा खिचड़ी नहीं बनी, खिचड़ी हमारे लिए ही बनाई है। हमारे लिए काफी है क्यों सगुन? हाँ हाँ, आप जल्दी से परोस दीजिए वैद्य जी। वैद्य जी मतलब अब मुझे खाना नहीं मिलेगा? अरे चुप कर गधे नालायक, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। वैद्य जी मेरा पेट कैसे भरेगा? पानी पी के अब जाओ अंदर नालायक कहीं के। चलो चलो चलो, बैठो 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 बैठो, सब बैठ गए परोसो। और तो, अरे राम राम, ये ढोंडू दे देकर पूरी खिचड़ी खत्म कर देगा। शुरू करो शुरू करो। हाँ खाओ खाओ। लक्ष्मी की माँ सकू भाई कैसी बनी है खिचड़ी? स्वादिष्ट बाबा, बहुत बढ़िया है बाबा। ढोंडू सकू भाई को खिचड़ी और दो। वाह वैद्य जी वाह, मजा आ गया। वैद्य जी खिचड़ी खत्म हो गई। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गई? अभी तो हमारा पेट भी नहीं भरा। क्यों सगुन? हाँ बाबा। अरे धोंडू जाओ जाओ और खिचड़ी लेकर आओ। हाँ अच्छी है। अरे राम राम, इस साईं ने मुझे परेशान करके रख दिया है, मैं बोल भी नहीं सकता कि अब इससे ज्यादा खिचड़ी नहीं मिलेगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, समझे? अब जाकर देखो कि खिचड़ी कितनी बची है, नहीं तो मुझे फिर से पकानी पड़ेगी। खड़े क्या हो, जाकर देखो, जल्दी करो। हैं? बैठी, बर्तन तो खाली है। अरे राम राम राम, नालायक। अंधे, तपेले में खिचड़ी है, जाओ जल्दी जाकर परोसो, जाओ। हैं? अभी अभी तो खाली था। अरे मूर्ख, तेरा दिमाग खाली है, निकालो जल्दी जल्दी निकालो। राम राम राम। अरे क्या कर रहा है, जल्दी कर जल्दी परोसो, कितने लोग बैठे हैं, जल्दी करो। हाँ सबको दो, खाओ खाओ पेट भर कर खाओ। जी हाँ, खिचड़ी तो खत्म हो गई। हाँ? कुछ नहीं बचा। ढूंढू बचेगी कैसे? वैद्य जी ने बहुत प्यार से हम लोगों के लिए खिचड़ी बनाई है। हाँ, आत्मा तृप्त हो गई, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी इससे पहले मैंने कभी नहीं खाई। हाँ। अरे बाबा, वैद्य जी को आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? अन्नदाता सुखी भव,
सुखी भव। हाँ भव भव, खिचड़ी तो खत्म हो गई। खिचड़ी का तपेला भर गया। जय साईनाथ। वैजी, अरे क्या है? वो खाली बर्तन खिचड़ी से भर गया। जरूर इस साई ने कोई जादू किया होगा वैद जी, ढोंगी तो है। अरे लोगों ने भर भर पेट खाया, फिर भी तपेली भरी रही। साई बाबा मालिक है, अन्नदाता है बाबा। कितना सौभाग्यशाली है वो बच्चा जो सुबह ही सुबह उसे देवा का आशीर्वाद मिल गया। गुरुजी सब कुछ झूठ है झूठ, ये साईं बाबा भी झूठे हैं और उनके आशीर्वाद भी झूठे हैं। कृष्णा भाई अंबी और पाखंडी हैं ये साईं बाबा। हाँ आप अचानक ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं कृष्णा माई? अरे बहक तो आप सबके सब गए हो जो पूरा काम धाम छोड़कर इस साईं के पीछे लगे हुए हो। तुम लोगों ने अपनी सोच और अपना दिमाग ना कहीं पर गिरवी रख दिया। गिरवी हाँ, तभी तुम्हें इस साईं बाबा का ढोंगना समझ में नहीं आ रहा है। कृष्णा माई हम साईं बाबा के खिलाफ एक शब्द भी सुनना नहीं चाहेंगे। हाँ हाँ कैसे सुनोगे, कैसे सुनोगे ये सब? तुम सबके सब बहरे जो हो गए हो। ये कोई भगवान या मालिक नहीं है। पतीला वापस खिचड़ी से भर क्या गया? आपको तो ये यकीन आने लगा था कि साईं बाबा मालिक है ना? लेकिन वो मालिक नहीं है। परंतु कृष्णा माई साईं बाबा तो खुद बोलते हैं कि वो मालिक नहीं है। अरे तुम क्यों देवा पर अपना गुस्सा निकाल रही हो कृष्णा माई? साईं बाबा तो कभी किसी का बुरा नहीं करते, करते हैं तो सिर्फ भला ही करते हैं कृष्णा माई। है खुद का भला करता है ढोंगी। सत्य वचन। फिर हम साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही हैं कृष्णा माई? नाराज क्यों ना हो, हाँ बताइए ना। ये साईं बाबा अपनी आरती करवाता है, स्तुति करवाता है। सुन लीजिए क्या कह रही है, है? बड़े बड़े प्रवचन करवाता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि हम सब शिरडी वाले इसको भगवान मानते हैं, भगवान। हाँ अरे देवा कुछ नहीं कहते, वो तो हमारी इन पर श्रद्धा है, हम ही इन्हें अपना भगवान मानते हैं, समझी? हाँ मानते ना आप लोग इनको भगवान, मानते हैं ना? अब आप ही बताइए गुरुजी, जहाँ पर भगवान का निवास होता है वहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल ही तो होता है ना, तो फिर यहाँ पर अमंगल क्यों है? क्यों शिरडी में इतनी बीमारी फैली हुई है और क्यों मेरे बेटे को लकवा मार गया, क्यों बताइए ना? अच्छा भला था मेरा बेटा अब तक अचानक लूला हो गया। अरे अभी तो उसकी शादी होने वाली थी, विवाह होने वाला था उसका, अब कौन करेगा मेरे बेटे के साथ शादी?
कौन उसे अपनी बेटी देगा? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है साईं बाबा। हाँ। आपकी वजह से। बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए बाबा। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती बाबा। उसकी सारी बीमारियां मुझे दे दीजिए, पर उसे ठीक कर दीजिए बाबा, उसे ठीक कर दीजिए। अरे राम राम राम, देखा वैजी आपने? हाँ। कितना निर्दयी है ये साईं। देख रहा हूँ द्वारकानाथ जी, यही देख रहा हूँ मैं। अरे ये भगवान नहीं है, ये बात हम जानते हैं। हाँ। है? कृष्णा माई के बेटे का लकवा भी ठीक नहीं कर सकता, ये भी हम जानते हैं। पर हमदर्दी तो दिखाई सकता था ना? नहीं 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 दिखा सकता, क्योंकि पोल जो खुल जाएगी है। बाबा बाबा बाबा, सबका